Hello everyone, how are you? I hope you are safe and well at your home. As we cannot go to school, so we can study through this video. So our first topic for class 3 is living and non-living things. We see many things around us. All things can be grouped as living or non-living. हम हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जिन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में बांट सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन बींग आर लिविंग थिंग. जैसे प्लांट, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये क्या है? लिविंग थिंग के एग्जाम्पल्स हैं. टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बैग्स एंड टॉयज आर नॉन लिविंग थिंग. टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बैग एंड टॉयज, ये नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कुछ चीज़ें लिविंग है या नॉन लिविंग है? सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज आर लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो लिविंग थिंग्स हाउ कैन वी क्लासीफाई दैट? फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. दे ब्रीथ, वे सांस लेते हैं. दे ग्रो, वे बढ़ते हैं धीरे धीरे. दे मूव देयर ओन, वो अपने आप चलने फिरने लग जाते हैं. दे फील, वो महसूस करते हैं लिविंग थिंग. रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं. डाई, और लिविंग थिंग मरते भी हैं. नॉन लिविंग थिंग क्या है? दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती. दे डू नॉट ब्रीथ, वे सांस भी नहीं लेते. दे डू नॉट ग्रो, वो बढ़ते नहीं हैं. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, और वे अपने आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं आते जाते. दे डू नॉट फील, वह महसूस भी नहीं करते. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, और वह रिप्रोड्यूस भी नहीं करते. एंड दे डू नॉट डाई, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स मरते भी नहीं हैं. एज आई हैव डन माई एक्सप्लानेशन, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क. What is my homework? Homework: list out 10 living and 10 non-living things. List out 10 living and 10 non-living things. आपको 10 living things के नाम लिखने हैं और 10 non-living things के नाम लिखने हैं. As per your list, draw and color any 4 living and non-living things. आपने जो 10 नाम लिखे होंगे लिविंग और 10 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखोगे, उसमें से कोई भी 4 लिविंग और कोई भी 4 नॉन लिविंग थिंग्स की पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और कलर करनी है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.